समाचार एक्सक्लूसिव समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर आ लेते हैं आज की विशेष खबर पर। 7 साल बाद निर्भया को मिला इंसाफ। फांसी की सजा पाए निर्भया के गुनहगार आखिरकार 7 साल 3 महीने और 3 दिन बाद अपने अंजाम तक पहुंच गए। तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया कि निर्भया के सभी चारों दोषियों को ठीक 5:30 बजे फांसी पर लटकाया गया। सूत्रों के मुताबिक 30 मिनट बाद फंदे से चारों शव उतारे गए। जेल महानिदेशक ने कहा कि चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह तिहाड़ जेल में फांसी दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तथा चारों दोषियों के शवों को पोस्टमार्टम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में करवाया गया। दोषियों को फांसी होने के बाद लंबे समय से इंसाफ की जंग लड़ रही निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, आज मैंने अपनी बेटी की तस्वीर गले से लगाई और कहा आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल गया। यह संघर्ष हमारी बेटी के लिए था लेकिन हम अपनी और बेटियों के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे। निर्भया के पिता ने कहा कि न्याय के लिए हमारा इंतजार बेहद पीड़ादायक था। हम अपील करते हैं कि आज का दिन निर्भया न्याय दिवस के तौर पर मनाया जाए। वहीं दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया। दोषियों की फांसी पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, आज एक उदाहरण स्थापित किया गया है। अब ऐसा अपराध करने वाले लोगों को यह पता चलेगा कि उन्हें सजा मिलकर रहेगी। एक्सक्लूसिव समाचार में आज कल इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।